दोस्तों, हमने आपको अपने क्रिप्टो माइनिंग सीरीज के दौरान एक प्रोजेक्ट शेयर किया था जिसका नाम था ओम नेटवर्क। अभी अभी उसकी बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। हालांकि ओम नेटवर्क के डेवलपर्स ने अपना इंटरफेस बिल्कुल पाई की तरह ही रखा है, लेकिन अभी ये जो सब करने जा रहे हैं ना, उससे लगता है कि पाई से भी पहले कहीं इनकी लॉन्चिंग ना हो जाए। जी हाँ, इसलिए ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर। और मेरा गोल तो आप सभी को पता ही ना यार, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। और क्या दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ओम नेटवर्क की माइनिंग शुरू नहीं की है तो अभी जस्ट शुरू करो यार, देर किस बात की है। क्योंकि जैसे जैसे इसके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी माइनिंग स्पीड में कमी आती जा रही है। डाउनलोड करके माइनिंग शुरू करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से कर सकते हैं, जिससे आपको 20 ओम एकदम फ्री में मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अपडेट की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पाई अपने माइनर्स को सिर्फ माइनिंग के बेस पर ही कॉइन दे रहा है, जिससे माइन हो रहे कॉइन्स को तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक कि पाई कॉइन लॉन्च ना कर दिया जाए। लेकिन ओम नेटवर्क इस मामले में पाई से थोड़ा आगे निकल गया, क्योंकि उसने अपनी रफ्तार तेज करने के लिए पहली सीड फंडिंग उठानी शुरू कर दी है और इसके लिए उसने IFO प्रोसेस का सहारा लिया है। जिन लोगों को IFO के बारे में नहीं पता है, उनको हम बता दें कि IFO का मतलब होता है इनिशियल फंड रेजिंग ऑफर, जिससे किसी भी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से पहले उसके शेयर या फिर टोकन को बहुत ही कम दामों में इन्वेस्टर्स को दिया जाता है और उस इकट्ठे हुए पैसे को प्रोजेक्ट में लगाया जाता है। इससे होता यह है कि अर्ली इन्वेस्टर्स बहुत ही कम प्राइस में टोकन्स को खरीद लेते हैं और जब टोकन लॉन्च होता है तो लगभग 8 से 10 गुना दाम में बेचकर प्रॉफिट बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपके पास में ये मौका है, क्योंकि ओम टेक की सीड फंडिंग 22 फरवरी से शुरू हो चुकी है और ये चलेगी 22 मार्च तक। पर यहां एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि ये फंडिंग एक महीने तक चलेगी, क्योंकि जितना फंड इस कंपनी को रेज करना है उतना फंड वो आराम से एक हफ्ते के अंदर ही इकट्ठा कर लेंगे और इसके बाद ये फंड रेजिंग की प्रोसेस को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए आप में से जो लोग इस टोकन को खरीद कर अपने पास में होल्ड कर सकते हैं, उनको इसे जरूर खरीद लेना चाहिए। लेकिन अब बात आती है, आप इसे खरीदेंगे कहां से और कैसे। चलिए दोस्तों, इसका भी सलूशन हम आपको बताते हैं, आप इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल में मेटा मास्क वॉलेट को इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें बाइनेंस स्मार्ट चैन नेटवर्क को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपके मेटा मास्क में स्मार्ट चैन ऐड नहीं है तो आपको सिंपली मेटा मास्क ऐप में जाना है और लेफ्ट में आ रही तीन लाइंस पर क्लिक कर लेना है और सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जहां आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क का, उस पर क्लिक करते ही नीचे ऑप्शन आएगा ऐड नेटवर्क का और उस पर क्लिक करके आपके सामने BSC स्मार्ट चैन को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही आपको अप्रूव करने के लिए बोला जाएगा। आपको उसको अप्रूव कर देना है और फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा स्विच नेटवर्क का और आपको अपने नेटवर्क को स्विच कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर BSC स्मार्ट चैन का नेटवर्क आपको शो हो रहा होगा। तो ये तो हुई बाइनेंस चैन को ऐड करने की प्रोसेस। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ओम को खरीदने की। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपनी ओम नेटवर्क की ऐप में, जहां आपको ऑप्शन मिलेगा रीड मोर का और उस पर क्लिक करते ही आपके सामने वॉलेट को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जहां आपको मेटा मास्क वॉलेट को सेलेक्ट कर लेना है और जिसके बाद आपके सामने ओम नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां आपको राइट साइड में आ रही तीन लाइन पर क्लिक करना है और कनेक्ट वॉलेट नाउ को सेलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आपके सामने वॉलेट को कनेक्ट करने को बोला जाएगा और आपको उस पर क्लिक कर देना है। कनेक्ट होने के बाद आपको होम पर क्लिक कर देना है और बाय टोकन नाउ को सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको पेमेंट USDT से करना है या फिर BUSD से। अब एक बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों, कि ओम को खरीदने से पहले आप अपने मेटामास्क वॉलेट में उतने USDT को ट्रांसफर कर लेना जिनसे आपको ओम खरीदना है। तो अब फाइनली आपको USDT को सेलेक्ट कर लेना है और परचेज टोकन पर क्लिक कर देना है और इस पेमेंट को अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के लिए आपसे थोड़े BNB की फीस भी मांगी जाएगी, इसीलिए करीबन 10 से 20 रुपए के BNB को भी आपको खरीद के रख लेना है। परचेज करने के बाद आपको ऊपर ट्रांजैक्शन सक्सेस होने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में ओम टोकन्स को देख पाएंगे। अब आपको लास्ट में
अपने MetaMask वॉलेट में जाना है और सिंपली इंपोर्ट टोकन पर क्लिक करना है और वहां ओम नेटवर्क का कॉन्टैक्ट एड्रेस फिल कर देना है और ओम टोकन को इंपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी ओम को खरीदने की प्रोसेस। अभी ये टोकन करीबन 9 रुपए के आसपास मिल रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये लॉन्च होगा तो आपको इसका प्राइस काफी गुना देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप फ्री माइनिंग के साथ साथ अगर टोकन्स को खरीद कर होल्ड करना चाहते हैं तो अभी इस प्रोसेस के द्वारा अपने टोकन्स को खरीद सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक इसकी माइनिंग शुरू नहीं की है, किस बात का इंतजार कर रहे हो यार, अभी शुरू करो। इस प्रोजेक्ट को फ्री में कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ऐसे ही फ्री प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है तो आज ही हमारे चैनल की माइनिंग सीरीज को जाके देखिए और बाकी के प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जारी रखिए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ।